हेलो दोस्तों, पैसे नॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में जो मिस्टेक्स होती है उसको कैसे हम अवॉइड करें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो के बाद मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काफ़ी हद तक आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है डिसिप्लिन हो जाएगा और अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से ले सकते हो। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निवेदन है सबसे कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहले जान लेते हैं कि जब हम स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपके फाइनेंशियल गोल आपके होने चाहिए। मतलब मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं और मुझे या फिर जो इनकम आ रही है मैं डायरेक्टली कोई भी स्टॉक में पैसा लगा रहा हूँ, तो प्लीज़ वैसा मत करिए दोस्तों। पहले आपका जो गोल जो है, पहले प्रायोरिटीज जो होती है, जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं आपके हर महीने के, जो नेसेसरीज होती है, ग्रॉसरीज होती है जिसके लिए पैसा आपको लगता है खाने पीने के लिए, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये ऐसी नेसेसिटीज है जो हमेशा हमें लगने वाली है, तो उसके लिए पैसे तो पहले रखने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ आपके बच्चों का एजुकेशन आपको प्लान करना पड़ेगा कि उस समय किसी से आपको पैसे उधार ना लेने पड़े, या फिर आप नेक्स्ट आती है आपकी रिटायरमेंट, अगर आप गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हो या फिर आप प्राइवेट भी हो तो एक रिटायरमेंट के लिए हर बंदा चाहता है कि उसकी रिटायरमेंट काफ़ी अच्छी हो और उसका जो एक्सपेंस है उस समय उसको किसी के, खास करके बच्चों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो पहले आपके ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। डायरेक्टली पैसा अगर है एक्स्ट्रा तो मार्केट में किसी भी स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड या कोई भी प्रोडक्ट में मत डालिए। तो पहले गोल डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए मेरा जो फाइनेंशियल प्लानिंग का वीडियो है आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको स्किप करनी है। तो पहले इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड करिए तो आपसे जो एग्रेसिव तरीके से जो मिस्टेक्स होती है वो नहीं होगी। सेकंड आता है ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। अभी कैसा होता है कि ये मार्केट है दोस्तों, ये उसके हिसाब से चलता है, मनी फ्लो के हिसाब से चलता है। आपको लगेगा कि मैंने अभी मार्केट में पैसा डाल दिया 50,000 से 5 लाख रुपया और ये एक महीने में मेरा इतना डबल हो जाएगा या फिर मुझे यहाँ पे 15-20% मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसा मत करिए। टाइमिंग जो होते हैं आप नहीं डिसाइड कर सकते स्टॉक मार्केट में कि यही टाइम पे आपके टारगेट्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो टाइमिंग वाला मत करिए। मतलब टाइम लिमिटेशन मत डालिए आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। पेशेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसलिए आपको समय देना पड़ता है कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये ध्यान रखिए। स्टॉक मार्केट में जो होता है कि आप सोचोगे कि अभी बाय जाएगा, नीचे आ रहा है तो मैं बाय कर लेता हूँ, वापस ऊपर जाएगा तो बेच देगा दूंगा, ये काफ़ी इजी लगता है बोलने के लिए और सुनने के लिए, लेकिन उतना इजी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट सेंटिमेंट है एक पूरा, मतलब इंडियन मार्केट ही नहीं चलता है, ग्लोबल मार्केट्स होते हैं। तो थोड़ा आपको टाइमिंग जो है बिल्कुल नहीं करना है, टाइमिंग द मार्केट बिल्कुल नहीं करना है, मार्केट के उल्टा काम बिल्कुल नहीं करना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल पूरी तरीके से स्किप कर देनी है, जिसकी वजह से जो आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है काफ़ी हद तक एकदम कूल वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो आते हैं यस एलोकेशन, जिसे हम कहते हैं कि आप जब कोई इक्विटी बाय कर रहे हो तो डायरेक्टली एक स्टॉक में पूरा पैसा मत डाल दीजिए कि मैंने कोई पर्टिकुलर, मेरे फ्रेंड ने ले लिया, मेरे एडवाइजर ने बोल दिया, पूरा पैसा मैंने उसमें डाल दिया, ऐसा मत करिए। आप खुद भी स्टडीज करिए, आप खुद भी देखिए, रिसर्च करिए, क्योंकि एक सक्सेसफुल पोर्टफोलियो जो होता है कब बनता है दोस्तों, जब उसके पीछे होती है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एसेट एलोकेशन होती है। ओके, समझो कि आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो इमरजेंसी में पैसे के लिए आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जिसे आपको हाथ ही नहीं लगाना उसके लिए आपको कौन से प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए, ठीक है। जो आप यू नो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो ऐसा कौन सा इंस्टॉलमेंट है, सॉरी ऐसे कौन से प्रोडक्ट आपको देखना चाहिए, ठीक है। जो आपके इमरजेंसी के साथ साथ डेली जो आपकी ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों को भी मतलब आपको पैसा यूज़ होना चाहिए, तो इस तरीके से आपके एसेट एलोकेशन रखिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल पे प्रॉपर्टी दिया हुआ है जो आप लिक्विडेशन का इशू आएगा, बॉन्ड्स दिया हुआ है यहाँ पे 3-5 ईयर्स का फिक्स, वहाँ पे आपका टेन्योर होता है, इक्विटीज हाई लिक्विड होता है, कैश ये हाई लिक्विड होता है, FDs होते हैं हाई लिक्विड होती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एसेट एलोकेशन अच्छे तरीके से करिएगा, एक जगह पूरा पैसा मत डालिएगा। फिर आते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। कैसा होता है कि हम क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में जब निवेश करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं हिस्टोरिकल जो परफॉर्म किया था उस हिसाब से ही अभी आगे परफॉर्म करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर समय मार्केट के सेंटिमेंट
वैसे होंगे जरूरी नहीं है। अभी जिस तरीके से मार्केट करेक्ट हुआ था 2008 और 9 में, आपको पता होगा अगर आप उस समय के अगर ट्रेडर इन्वेस्टर हो, तो मार्केट उसके बाद काफ़ी समय लगा कंसोलिडेट होने के लिए। लेकिन यही अगर 2020 और 21 का फेज देखेंगे आप, जब मार्केट गिरा था फेब्रुवरी में, तो 2020 में तो वो उतना मतलब पूरा वी शेप रैली, पूरा रिकवरी आ गया। तो हर समय ऐसा होगा नॉट नेसेसरी, जो चीज़ हिस्ट्री में हुई है वैसी होनी चाहिए, और नेक्स्ट वो रिजल्ट रिपीट होगा वैसे जरूरी नहीं है। तो ये पास रिजल्ट होते हैं, ये इतने एक्यूरेट नहीं होते, ध्यान रखिए। आपको फिलहाल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके प्रोजेक्शन के लिए एवरेजिंग करनी पड़ती है, एवरेजिंग का रूल रखना पड़ता है, वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा रिलाय करेंगे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा उन्होंने वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट आते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस जो रिजल्ट आते हैं, उस समय उनका पोर्टफोलियो को उन्होंने शफल करना चाहिए या फिर उसको ट्रैक करते रहना चाहिए। फिर आते हैं लैक ऑफ पेशेंस, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है स्टॉक मार्केट में, जो लोग फॉलो ही नहीं करते। मतलब मुझे जितना जल्दी पैसा मिलेगा उतना मैं मतलब करोड़पति बनने की कोशिश करूंगा, इस तरीके से काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं। इसीलिए सक्सेस रेशियो जो है, मतलब काफ़ी कम लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो जाए। अगर आप सक्सेस लोगों से मिलेंगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी, वो है दोस्तों पेशेंस। जिनके पास पेशेंस है स्टॉक मार्केट में, वही यहाँ पे सक्सेसफुल है, क्योंकि उनके पास पेशेंस है, होल्डिंग कैपेसिटी है। इसीलिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट टोटली मतलब एक आपके जो एक्सपेंसेस है उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट बचती वही होनी चाहिए, जिस या लोन वगैरह लेके कोई किसी भी प्रकार के आप इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो फिर पेशेंस उसमें आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। तो इसीलिए जो सक्सेस है मार्केट का, तो पेशेंस काफ़ी हद तक होने चाहिए, लेकिन पेशेंस भी गलत जगह नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मुझे लॉस हो रहा है और मेरे लिमिट के बाहर लॉस जा रहा है, तो मुझे लॉस भी वहाँ पे बुक करना चाहिए दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास पेशेंस है सर, मैं तो अभी 1000 रुपये का स्टॉक हो गया है 100 रुपये, फिर भी मेरे पास पेशेंस है, मैं वेट करूँगा, तो वो वहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में 100,000 की यानी भी 100 रुपये हो गई, तो वो मैं कंसिडर करूँगा, क्योंकि आज ना कल म्यूचुअल फंड में फ्लो कंटिन्यू ऊपर आते ही रहता है और वो डाइवर्सीफाई होता है म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड के स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में देना है कि पेशेंस काफ़ी हद तक जरूरी है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट होता ही रहता है। ओके, तो अगर आपके पेशेंस जो है आपके जो एक्सपेक्टेशन अगर रीच नहीं होते हैं, मीट नहीं होते हैं, तो इम्पेशेंट प्लीज मत होइएगा। उसके बाद वेटिंग फॉर गेट इवन, मतलब क्या होता है, हमेशा मैं बाय करता हूँ कोई पर्टिकुलर रुपीज में, जैसे 100 रुपीज में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक करेक्ट हुआ 85 तक गया, तो मैं डर गया, मैंने क्या और क्या करूँ, मैं तो होल्ड करता हूँ, नहीं तो एवरेज कर लेता हूँ। और स्टॉक करेक्ट किया, ये स्टॉक करेक्ट हुआ यहाँ पे 70 तक, तो मैंने एवरेज किया, फिर अंदाजा सही रहा, मार्केट वापस ऊपर आया, फिर ये 100 रुपये पे वापस आया, तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, वापस सब पूरा इन्वेस्टमेंट बेच दिया, वापस नीचे 85 आ गया, तो मुझे और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये बिल्कुल नहीं करनी है। कि मैं मतलब कैसा होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ओके, तो वहाँ पे मुझे रिटर्न के लिए दोस्तों वेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, जब तक आपका प्रॉफिट जो ट्रेड है उसमें प्रॉफिट नहीं मिलता है, ओके, तो उसके लिए आप तो वेट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप होते हो, ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले आपके माइंड में रख लो कि अगर नीचे जाता है तो मुझे लॉस हो सकता है, तो आपका माइंड रेडी होगा वो चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको जैसे मैंने पेशेंस का, तो पेशेंस यहीं पे खो देते हैं हम कि अरे अभी मेरे प्राइस पे आ गया तो मैं बेच देता हूँ, वापस मुझे लॉस हो गया, तो जिसे हम न्यूरो साइंस भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करिए, जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो, तो पहले ये जान लो कि मैं आज क्यों ये बाय करूँ, ओके, और आज ही ज़रूरी क्या बाय करने का। अगर ये आंसर आपको नहीं आ रहा है, ओके, तो वो आपके लिए अच्छा है कि चलो और रुक सकते हैं, या फिर आप आज ही आपको सेल करना है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करिए, उसका रिसर्च करिए कि ये मैं क्यों बेच रहा हूँ, ओके, उसके पीछे क्या रैशनल है, क्या पे मैं इमोशनल हो रहा हूँ। इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल मत रखिए मार्केट के साथ। उसके बाद बात करेंगे जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसके ऊपर। अभी इन्वेस्टमेंट स्टाइल दो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, चार तरीके से है।
जैसे कि एक्टिव होती है जो फंड मैनेजर मैनेज करता है, जिसे आते हैं म्यूचुअल फंड आते हैं। उसके बाद आते हैं पैसिव, जिसमें आते हैं ETF आते हैं जो ऑलरेडी इंडेक्स की तरह ही ट्रेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिफाइड सेक्टर होते हैं अलग अलग तरीके से, और एक कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पे ऑल अलग अलग तरीके से, जैसे मार्केट साइज के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है। आप कम उम्र वाले हो तो आप ग्रोथ फंड के लिए जा सकते हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। अगर आप एजड हो तो फिर आप मंथली इनकम के लिए जा सकते हो। मार्केट के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, मतलब क्या होता है, काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर है पर्टिकुलर 10-15% अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, वो बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं रुकते और वापस चेंज करते हैं उनका स्टॉक। वैसे ही इन्वेस्ट मोमेंटम वाले, मतलब जिसमें न्यूज आ रहा है कंटिन्यू ट्रेंडिंग स्टॉक है, उसमें स्टाइल रहता है। काफ़ी लोग वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो पहले आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे मैच कर रहा है कि ये सोचिए। अगर आप देख रहे हो कि आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए आप जा रहे हो और आप बोल रहे हो मैं ट्रेडिंग करके पैसा बनाऊंगा, तो वो वहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। आपको आइदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो फिर आइदर आप ETF के लिए, ELSS के लिए जा सकते हो म्यूचुअल फंड में, या फिर डायरेक्ट कंपनी ग्रोथ के लिए जा सकते हो जो इन्वेस्टमेंट के लिए खाली, तो ट्रेडिंग वहाँ पे आता ही नहीं। तो आपका जो स्टाइल है और जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो दोनों मैच होने चाहिए, ओके। अगर आप वो इग्नोर कर दोगे, आप बायस हो जाओगे दोस्तों, तो फिर आपको वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। रिलाइंग ऑन इमोशंस, यस, यही एक मेजर यू नो मार्केट जो है सेंटिमेंटल जैसे होता है, राइट, वहाँ पे वैसे वो साइकोलॉजिकल भी होता है। काफ़ी सारे लोग बायस होते हैं, मतलब जो स्टॉक मैंने लिया है, ठीक है, उसको ही मैं एंड तक पकड़ के ही रखूँगा, मुझे बेचना ही नहीं, भले वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, कंपनी पूरी तरीके से घाटे में जा रही है, कर्जा हो चुका है कंपनी, फिर भी मैं बेचना नहीं चाहूँगा। तो ये थोड़े आप इमोशनल डिसीजन ले रहे हो, वैसा नहीं करना चाहिए। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, जो फैक्ट है वो आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और आपको उसमें से जो मिनिमम लॉस है लेके निकल जाना है और उसको दूसरे यू नो इक्विटीज में ट्रांसफर करना है। इसीलिए सबसे पहले क्या करिए ना, जब आप डिसीजन ले रहे हो तो उसके लिए थोड़ा समय दीजिए, क्विक डिसीजन मत लीजिए। मतलब रश में आपके डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो बिल्कुल मत लीजिए, वो हमेशा फेल होने वाले। प्रॉपरली जैसे आपकी कॉस्टिंग कितनी आएगी वो देखिए, उसके बाद आपको होल्ड कितना करना पड़ेगा वो आप देखिए, कितने टाइम तक आपको होल्ड करना है वो भी देखिए, रिटर्न्स कितने मिलेंगे वो भी देखिए, कितने समय में मिलेंगे वो भी देखिए। तो ये सारे स्टडी करने के बाद फिर आप आगे जाके आपकी इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हो। फॉलिंग इन लव विद द स्टॉक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कितना भी हो जाए, ये अभी तो ऊपर आएगा ही, और थोड़ा रुक जाए तो अभी ऊपर आएगा ही, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपके स्टॉप लॉसेस आपके साथ रखिए, आपको लगता है कि ये स्टॉक, और डाइवर्सिफिकेशन रखिए, इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल नहीं करना है, और हो सके तो आपके जो एसेट क्लास है, जो भी अदर एसेट क्लास है उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल मनी टुगेदर इन द वन स्टॉक। एक स्टॉक में पैसे डालने से बेटर है अलग अलग स्टॉक में आप पैसे डालिए, या फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में, जैसे कमोडिटीज हो गया, गोल्ड में डालिए, या फिर आप प्रॉपर्टीज में डाल सकते हो, IFDs में डाल सकते हो, PF में डाल सकते हो, इस तरीके से। ओवर डाइवर्सीफाई भी होना नहीं चाहिए, मतलब सर आप बोल रहे हो डाइवर्सीफाई चाहिए तो मैंने 500 स्टॉक लेके रख दिए, वैसा नहीं चाहिए। आप जब डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपके रिस्क मैनेजमेंट जो है, ओके, डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं, आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए करते हैं, आपकी जो रिस्क है वो मैनेज करने के लिए प्रॉपरली वो चले। लेकिन जो कोरिलेशन है, मतलब मार्केट, अगर निफ्टी 50 के स्टॉक आप लेते हो डायरेक्टली तो भी आपको चलेगा, क्योंकि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक डाइवर्सिफाई है। 13-14 सेक्टर से वो सारे कंस्टिट्यूट टॉप मार्केट कैपिटल शेयर लिए हुए, तो मार्केट ऊपर नीचे होता है तो वो डाइवर्सिफाई सेक्टर चलेगा। लेकिन अगर आप मार्केट का व्यू देख के दूसरे कोई अलग, जिसका कोरिलेशन है, कोरिलेशन मतलब क्या कि अगर जैसे हम बात करते हैं कि क्रूड ऑयल अगर नीचे जाता है, सस्ता होता है, तो अपना इंडियन मार्केट ऊपर आता है, राइट, क्रूड ऑयल। और जैसे डॉलर की बात की जाए, डॉलर अगर ऊपर जाता है यहाँ पे तो इंडियन मार्केट जो है नीचे आएगा, एक USD INR और अपना ये निफ्टी, तो ये होता है कोरिलेशन। तो आपको कोरिलेशन ऐसा देखना है कि जो स्टॉक में आप निवेश कर रहे हो वो स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, ओके, और जो डाइवर्सिफिकेशन किया है वो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भी आपका नुकसान नहीं हो रहा है। ये दो चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखनी है, ज़्यादा बड़ा ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये सारी मिस्टेक अगर आप अवॉइड करते हो तो एक अच्छा खासा ज्ञान आपको
मिल सकता है। आज की वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड टेक केयर।